गुड इवनिंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को आप बेटा इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा जब आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो फिर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होती है और फिर आप जो होती है आपकी नेक्स्ट वीडियो तो उसको आप इजीली देख पाते हैं अगर आप फुल वीडियो नहीं देखते तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी नहीं आती ठीक है सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच फुल वीडियो ओके फ्रॉम बिगिन टू लास्ट सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स In class 9th, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of the properties. Students, आपने 9th class में ये अलग-अलग elements के बारे में पढ़ा है. तो उसमें आपने देखा है कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स के बेस पे तो थिंक ऑफ सम यूसेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ अपनी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ यूजेस जो होते हैं उनको सोचिए आप व्हाट प्रॉपर्टीज डू यू थिंक ऑफ व्हाइल कैटेगराइज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को जब आप कैटेगराइज करते हो एलिमेंट्स आप देखते हैं कि ये कुछ मेटल्स हैं ये कुछ नॉन मेटल्स हैं आप उनको कैटेगराइज करते हो तो किस बेस के ऊपर आप उसको कैटेगराइज करोगे हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ दीज एलिमेंट्स और ये प्रॉपर्टीज जो हैं इन एलिमेंट्स की यूसेज से कैसे रिलेटेड है So let's look at some of these properties in detail. तो हम उन्हीं properties के बारे में detail में discuss करेंगे. First हमारा है physical properties. Okay, तो physical properties में हम बात करेंगे metals की. The easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties. सबसे ईजीएस्ट वे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा मीन्स उसकी अपीयरेंस ओके कि कोई चीज़ है उसकी अपीयरेंस कैसी है देखने में कैसा लगता है उसकी लुक कैसी है ओके लेट्स स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अब हम कुछ फॉलोइंग एक्टिविटीज़ की हेल्प से ये देखेंगे फॉर परफॉर्मिंग एक्टिविटीज 3.1 to 3.6 क्या करेंगे हम कि कुछ मेटल्स के सैंपल्स कलेक्ट करेंगे मेटल कौन से हमारे पास आयरन कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम लेड एंड जिंक ओके एंड अदी एनी अदर मेटल ये हमें क्या है इजीली अवेलेबल हो जाते हैं राइट एक्टिविटी 3.1 अब हमने इनमें क्या करना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हमने लिए हैं जितने भी हमने ये सैंपल्स लिए हैं इनको हमने क्या करना है हर एक सैंपल की अपीयरेंस नोट कर लेनी है कि जो आयरन है उसकी लुक कैसी है कॉपर कैसा दिख रहा है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम मतलब ये देखने में कैसे लगते हैं क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद सैंड पेपर अब आपने क्या करना है इन सब को आपने क्लीन कर लेना है ये जो मेटल्स हैं इनको ऊपर से सैंड पेपर से रब कर लेना है और उनकी दोबारा से अपीयरेंस जो है चेक कर लेनी है ओके देन यू विल सी मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट जब आप उनको सैंड पेपर करने के बाद देखोगे तो मेटल्स जो हैं आपको प्योर स्टेट में नज़र आएंगी और उनकी जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी शाइनिंग सरफेस
दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर. मेटेलिक मीन्स मेटल, लस्टर मीन्स शाइन, कि मेटल जो शाइन करती है, मेटेलिक लस्टर होती है, उसको वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी. ओके, देन वी हैव अ एक्टिविटी 3.2 एक्टिविटी है हमारे पास. इसमें क्या करेंगे हम लोग, लेट्स रीड आउट. टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. बेटा आपने क्या करना है, आयरन के, ठीक है, कॉपर के, एल्यूमिनियम के और मैग्नीशियम के, इनके आपने छोटे छोटे पीसेस ले लेने हैं. ओके, अब क्या करना है, आपने इनको स्मॉल पीसेस में कट कर देना है शार्प नाइफ से. राइट, क्वेश्चन, ऑलवेज हैंडल, थर्ड पॉइंट, होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद द पेयर ऑफ टोंग. टोंग मीन्स चिमटे, टोंग्स, चिमटे की हेल्प से आपने सोडियम मेटल को पकड़ना है. क्योंकि सोडियम मेटल जो है बड़े ध्यान से पकड़ना है. जब ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर. इसको आप कैसे ड्राई करोगे, फिल्टर पेपर के बीच में रख के. पुट इट ऑन अ वॉच ग्लोस ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ. अब आपने क्या करना है, इनको वॉच ग्लास के ऊपर रखना है और कट करना है नाइफ से. देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे. देन यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. जब आप आयरन्स को, मेटल्स को कट करते हैं तो आप, हाँ तो बेटा आप जब आप इनको नाइफ से कट करोगे तो आपको क्या पता चलता है, मेटल्स जो हैं आपकी, मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं. द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. एक मेटल जो है, सपोज हम लिख रहे हैं आयरन, ठीक है, सेकेंड मेटल लिख रहे हैं हम एल्यूमिनियम, फिर लिख रहे हैं मैग्नीशियम, ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग मेटल्स ले रहे हैं, तो इनकी हार्डनेस जो होगी सबकी वेरी करेगी. ये नहीं है कि जितना आयरन हार्ड होगा उतना ही एलिमेंट एल्यूमिनियम हार्ड होगा और उतना ही आपकी मैग्नीशियम मेटल हार्ड होगी, ठीक है. जनरली हमने बात की है कि मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है वो वेरी करती है. राइट, देन वी हैव अ एक्टिविटी 3.3. एक्टिविटी 3.3 में क्या दिया गया आपको, टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड, कॉपर. अब आपने क्या करना है, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, इन तीनों के पीसेस, चारों के पीसेस ले लेने हैं और प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन. किसी भी एक मेटल को आयरन के ब्लॉक के ऊपर रख देना है एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 times विद अ हैमर. और एक हथौड़े के साथ जोर जोर से आपने 4-5 बारी इसके ऊपर स्ट्राइक करना है. देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे. रिपीट विद अदर मेटल्स. उसी तरह आपने पहले आयरन के साथ रिपीट ये प्रोसेस किया, ठीक है, उसके बाद आप जिंक के साथ करके देखोगे, फिर लेड के साथ करके देखोगे, कॉपर के साथ हैमर को स्ट्राइक करके देखोगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे. ये तो एक चीज़ ये ऑब्जर्व करनी है और सेकंड थिंग आपको उसकी शेप देखनी है मेटल की. राइट, देन यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स. आप देखोगे कि कुछ मेटल्स होंगी उनकी आप शीट्स बना सकते हो. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी. इसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी. डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट वैल्युएबल मेटल्स. क्या आपको पता है कि जो आपका गोल्ड है और सिल्वर है, ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं. क्यों, क्योंकि आप गोल्ड को, सिल्वर को आप इसको बीट करके कुछ भी इसके किसी भी शेप में आप इसको चेंज कर सकते हो, है ना. गोल्ड सिल्वर के जैसे ऑर्नामेंट्स हम बनाते हैं, तो किसी भी शेप का हम इसका कुछ भी बना सकते हैं,
है ना। तो सब ये जो मेटल है ये क्या है, मेलेबल। इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी बोलते हैं, राइट। देन वी हैव एक्टिविटी 3.4, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। अब जिनकी आप वायर्स देखते हो रूटीन में, ठीक है, वो मेटल्स आपने उसकी एक लिस्ट बना लेनी है। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रोन इन टू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अभी अभी हमने बात की है कि कुछ मेटल्स को हम बीट करके शीट्स बना सकते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स की एबिलिटी होती है कि उनको हम ड्रॉन करके खींच के उनकी वायर्स बना सकते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो गोल्ड है वो आपका सबसे ज़्यादा क्या है, डक्टाइल मेटल है। ये आपको वन मार्क में आ सकता है पेपर में कि नेम द मेटल विच इज़ मोस्ट डक्टाइल। ओके, सो ये मैं इसीलिए बेटा आपको लाइन टू लाइन कंसेप्ट करवा रही हूँ, ताकि बोर्ड जो है, एग्जामिनर जो है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पुट करे देन यू कैन अटेम्प्ट इजीली। ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छे से हो सके। अगर आप इन बिटवीन लगा के देखोगे या स्टार्टिंग में देखोगे या लास्ट में देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपका जो कंसेप्ट वो मिस हो जाएगा। ओके, सो इसको अच्छे से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है आपने। ओके, सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर इज अबाउट ऑफ 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। जैसे आपका 1 ग्राम का गोल्ड है सपोज, ठीक है, 1 ग्राम का गोल्ड है आपका, तो 1 ग्राम के गोल्ड से आप 2 किलोमीटर की लंबाई का क्या बना सकते हो, वायर गोल्ड का, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। इसी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से हम मेटल को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी उसका बना सकते हैं। ओके बेटा, नाउ कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। अब जो हम बर्तन बनाते हैं, हमारे जो कुकिंग वेसल्स होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनकी कुछ मेटल्स आपको पता होंगे जिनकी हम वेसल्स बनाते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स। अब वो जो है मेटल्स, उनको वेसल्स बनाने में क्यों यूज़ किया जाता है। लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। बेटा हमारे पास इस कंसेप्ट के रिलेटेड साथ साथ ही एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिससे हमें कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। ओके, सो नाउ लेट्स रीड आउट दिस एक्टिविटी। एक्टिविटी 3.5, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर। आपने क्या करना है, एक एल्यूमिनियम का या कॉपर का वायर ले लेना है, उसको जैसे ये स्टैंड में दिखाया गया है इस तरीके से आपने इस वायर को क्लैंप कर देना है, राइट। आपको क्या ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ जो है, ये दिस इज़ योर मेटल वायर, ठीक है, ये स्टैंड था आपका और इस मेटल वायर के ऊपर इसको आपने क्लैंप लगा दिया है। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब आपने क्या करना है, जो ये साइड फ्री है, ये जो साइड जो फ्री है, यहाँ पे आपने क्या लगा देनी है, एक पिन लगा देनी है। ओके, और नीचे आपने क्या कर देना है, हीट बर्नर जो है, बर्नर रख देना है, कैंडल और बर्नर कुछ भी लगा सकते हो आप। अब कुछ टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, नॉट योर ऑब्जर्वेशन डज द मेटल वायर मेल्ट। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो आपकी वायर थी, क्या वो मेटल मेल्ट होती है या नहीं। द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मतलब जब आप इसको हीट करते हो तो बहुत अच्छे से ये क्या हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ओके, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर यू, बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हैं। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, हीट के बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हैं,
दैट इज सिल्वर एंड कॉपर. बोथ आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. इनमें सिल्वर और कॉपर के बीच बहुत अच्छे से करंट पास हो जाता है, सॉरी हीट. लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर. लेकिन लेड और मरकरी की अगर हम बात करें तो ये थोड़े से क्या हैं, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, इजंट इट. डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब जैसे हमने हीट के बारे में बात की है, तो क्या ऐसे ही मेटल्स जो हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? लेट्स फाइंड आउट. एक्टिविटी 3.6. सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट. आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेट कर लेना है जैसे ये आपको फिगर में दिखाया गया है. प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एज शोन. और क्या करना है, आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है, अब मेटल्स को आपने टेस्ट करना है, तो उसको आप क्या करोगे, सर्किट के बीच में रख दोगे. यहाँ पे जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए, ये आपके क्या है, ये ए है और ये बी पोर्शन है. इनके बीच में आपको जो सैंपल टेस्ट करना है वो रख देना है, ठीक है. डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट. क्या जब आप इसके बीच में मेटल रख दोगे और ये पूरा कनेक्शन दे दोगे आप, तो क्या देखते हो कि बल्ब जो है आपका वो ग्लो करता है कि नहीं, ठीक है. ये आपका बल्ब है, तो ये आप देखोगे कि ये ग्लो करेगा कि नहीं करेगा. यू मस्ट हैव सीन दैट वायर्स दैट कैरी करंट इन योर होम्स. आप सबको पता है कि आपके घर में जो वायर्स होती हैं वो करंट कैरी करती हैं, ठीक है. और उनके जो ऊपर कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, पीवीसी की, मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड कह सकते हैं, या फिर आप उसको रबर लाइक मटीरियल कह सकते हो. वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विद सच सब्सटेंस. अब ऐसे वायर्स को ऐसे या पीवीसी के साथ या प्लास्टिक या रबड़ जैसा कोई मटेरियल के साथ क्यों कवर किया जाता है, क्या आपको पता है? व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स स्ट्राइक हार्ड सरफेस. जब मेटल हार्ड सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है तो क्या होता है? डू दे प्रोड्यूस अ साउंड. क्या वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं? द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस. ओके, जो सरफेस, जो मेटल्स हार्ड सरफेस के ऊपर टकराने के बाद आवाज़ प्रोड्यूस करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोनोरस. सोनोरस जो है जो साउंड प्रोड्यूस करें. कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स. अब आपको पता चल जाएगा स्टूडेंट्स कि आपके स्कूल में आपकी जो स्कूल बेल्स होती हैं वो मेटल्स की क्यों बनाई होती हैं, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस कर सके, सोनोरस. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल्स. ओके, तो लेट्स रिकॉल अबाउट द मेटल्स फर्स्ट. ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नॉन मेटल्स. सो कम बैक हेयर. बात हमने की थी बेटा अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स की. ओके, तो मेटल्स का भी हमने देखा था कि मेटल्स जो होती हैं, आपने नाइन्थ में पढ़ा है कि जो आपकी एलिमेंट्स हैं आप उनको क्लासिफाई करते हो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, ठीक है. अब मेटल्स नॉन मेटल्स को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब उनको सेपरेट करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि ये चीज़ जो है इसमें दिख रही है तो हाँ ये मेटल है, ये करेक्टरिस्टिक्स है इसका, ये फीचर अगर इसका ये है तो इट मीन्स दिस इज़ अ नॉन मेटल. ओके, तो मेटल जो है आपका, मेटल्स के बीच में जो सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. डिस्कस तो ऑलरेडी हमने किया है, एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ मैं आपको. ओके, तो मेटल्स जो थे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो क्या है, उनकी अपेयरेंस, ठीक है. अपेयरेंस जो थी उनकी क्या है, शाइनिंग अपेयरेंस थी मेटल्स की. उसके बाद ये क्या थे, मेलेबल थे, ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या थी, इट इज़ ए डक्टाइल. फोर्थ पॉइंट इज़
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके एंड फिफ्थ पॉइंट वॉज इट इज़ अ सोनोरस. सो ये जो मेन हमारे फाइव, यही फाइव ही टॉपिक पॉइंट्स थे जिसके बारे में हमने अभी जो डिस्कस किया है कि मेटल हमारी लस्ट्रस अपीयरेंस देती है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स हीट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स हैं और क्या हैं, स्नोरस हैं. तो एक्टिविटीज़ के साथ हमने इसको डिस्कस किया था कि हमारी ये जो सारी ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे मेटल्स के हैं. ओके अगर आपको वन मार्क का यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, देन यू कैन राइट एनी प्रॉपर्टी. इट इज़ ए स्नोरस, इट इज़ हैविंग शाइनिंग अपीयरेंस, इट इज़ ए मेलेबल, इट इज़ डक्टाइल, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ओके अगर आपसे पूछा जाता है बेटा कि इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन मेटल्स, ठीक है, तो फिर आप इसकी एक एक प्रॉपर्टी लेके उसके, जैसे अभी हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है ये टॉपिक, तो आप एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, मैं कंसेप्ट के साथ साथ ही आपको गाइड कर रही हूँ कि ये जो आपको इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि चैप्टर लेंथ ही है, लास्ट में भी करेंगे तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसके बन जाएंगे. तो ये बेटर है कि हम कंसेप्ट के साथ साथ ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएं. ठीक है, तो जैसे अभी अभी मैंने बताया है क्या इनकी जो मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है. डक्टिलिटी क्या होती है, जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी. ठीक है, देन आपको पता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के हैं जिसमें करंट पास हो जाता है. मेलेबिलिटीज़ क्या थे, जिनको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में ड्रोन कर सकते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी. ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको ऐसे जो एग्जामिनर है आपसे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकता है. उसके बाद आपसे पूछा गया कि जाएगा कि बेस्ट कंडक्टर बेटा मेटल्स में एक एग्जांपल दो, सिल्वर कॉपर आ जाएगा. ठीक है, और पुअर कंडक्टर जो हीट के आ जाते हैं लेड मरकरी, अगर हम सिल्वर और कॉपर के साथ कंपेयर करके देखें. ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको आई होप. ओके अब हमारे पास है नॉन मेटल्स. मेटल्स का पता चल गया हमें, अब ये कंसेप्ट आपको भूलेगा नहीं. ठीक है, अब मेटल्स जो थे अगर हम इसके ऑपोजिट चले जाएं तो वो नॉन मेटल्स आ जाती हैं. ठीक है, थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू, मतलब हम थोड़ा सा आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि नॉन मेटल्स जो हैं बेटा, अगर जो जो हमने प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के बारे में अभी डिस्कस की हैं उसकी सारी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ जो आ जाएंगी, इट मीन्स वो सारी क्या हैं, आपकी नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, मेटल्स में आपको दिख पता चला था कि ये शाइनिंग अपीयरेंस है. नॉन मेटल्स जो होंगे वो शाइनिंग अपीयरेंस उनकी नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन हम नॉन मेटल्स की अगर बात करेंगे तो वो गुड कंडक्टर्स नहीं हैं. ठीक है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, एक आधा कुछ होगा ऐसे कि कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकता है एक दो एलिमेंट्स का, बट अदरवाइज इट इज़ ऑल ऑपोजिट ऑफ द मेटल्स. ठीक है, सोनोरस भी नहीं होते, ये करंट पास नहीं होता, हीट पास नहीं इनमें से होती. ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी हमने नॉन मेटल का डिस्कस किया है. ये तो सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर के बीच में था. ठीक है, उसके बाद फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट हो जाती हैं. तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ज़रूर देखना. ठीक है, अगर आपको इतने से कंसेप्ट में अगर किसी को कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क फ्रीली. ओके, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना भी है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है. ओके.